संगीता अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है। जब से उसके पापा की तबीयत खराब रहने लगी है, तब से उनके घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। ऐसा कब तक चलेगा माँ? पापा अब बीमार ही रहते हैं, किसी ना किसी को तो काम पर जाना ही होगा ना। तू लड़की है बेटा, मैं तुझे काम पर कैसे भेज सकती हूँ? ये कैसी बात कर रही हो माँ? लड़की हुई तो क्या हुआ, मैं किसी लड़के से कम मेहनती नहीं हूँ। और ये किसने कह दिया आपसे कि लड़की घर के बाहर काम नहीं कर सकती? पर बेटा, हमारे यहाँ कोई बड़ा ऑफिस भी नहीं है, तू क्या काम करेगी? माँ, अगर कहीं भी नौकरी नहीं मिलेगी तो मैं अपना ही कुछ छोटा मोटा सा काम शुरू कर दूंगी। क्या करोगी बेटा छोटा मोटा काम? और पैसे कहाँ से आएंगे उस छोटे मोटे काम के लिए? वो सब मैं देख लूंगी माँ, आप उसकी चिंता मत कीजिए। संगीता कुछ दिन नौकरी की तलाश करती है, पर उसको कहीं काम नहीं मिलता और वो अपनी एक दोस्त रीना से कुछ पैसे उधार लेकर खुद के पानी पूरी का ठेला खोल देती है। आ जाओ पानी पूरी खाने आ जाओ, 2 रुपए की 5 पानी पूरी। संगीता अपनी बिक्री शुरू करने के लिए बहुत ही सस्ती पानी पूरी बेचने लगी। इतनी सस्ती पानी पूरी देखकर बहुत से लोग उसकी दुकान पर पानी पूरी खाने के लिए आने लगे। अरे वाह, 2 रुपए की 5 पानी पूरी मिल रही है, मैं तो बहुत सारी पानी पूरी खाऊंगी। हाँ हाँ खा लेना, पहले ये तो बताओ कि कितने की चाहिए? आप मुझे 10 रुपए की दे दो। संगीता उस लड़की को पानी पूरी देने लगती है और वो लड़की जल्दी जल्दी पानी पूरी खाती है। अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, पहली बार पानी पूरी खा कर ही मेरा पेट भर गया है, अब तो और कुछ खाने का मन ही नहीं कर रहा। ऐसे कैसे मन नहीं कर रहा? आपने 10 रुपए की पानी पूरी मांगी थी, अभी तो 6 रुपए की ही हुई है, आपको और 4 रुपए की पानी पूरी खानी होगी। सच कह रही हूँ, मैं अब एक भी पानी पूरी नहीं खा सकती एक्स्ट्रा। आप ये लीजिए अपने पैसे। संगीता उस लड़के से पैसे लेती है और इसी तरह बाकी के कस्टमर्स को भी पानी पूरी बेचती है। आज पहले ही दिन उसकी सभी पानी पूरी बिक जाती है। ये देख कर सामने की दुकान वाली बिमला उससे बहुत चिढ़ने लगती है। तू तो गरीब है ना, तेरे पास पानी पूरी का काम शुरू करने के लिए पैसे कहाँ से आए? मुझे मेरी दोस्त रीना ने पैसे दिए थे, उन्हीं पैसों से मैंने ये काम शुरू किया है। क्या तूने मेरी बेटी रीना से पैसे लिए हैं और मेरी दुकान के सामने ही पानी पूरी बेचकर मेरी दुकान बंद करवाना चाहती है? अभी जाकर रीना की खबर लेती हूँ। बिमला घर जाकर रीना को बहुत सुनाती है कि उसने संगीता को पैसे क्यों दिए। तुझे पता भी है कि तेरी वो दोस्त तुझसे पैसे लेकर तेरी माँ की दुकान बंद करवाने पर तुली हुई है। आप किसकी बात कर रही हो माँ? तूने जिसको पैसे दिए है ना, उसी संगीता की बात कर रही हूँ मैं। आज के बाद अगर तूने उसको पैसे दिए तो तेरा खाना पीना बंद करवा दूंगी। अपनी माँ से डांट खाने के बाद रीना बहुत उदास हो जाती है और अब वो संगीता की मदद ना करने का फैसला करती है। रीना की माँ वहाँ से अपने काम पर चली जाती है और कुछ देर के बाद संगीता वहाँ आती है। यार, आज मेरी पानी पूरी बेचने का काम बहुत अच्छा चला, मेरी पहले ही दिन सारी की सारी पानी पूरियाँ बिक गई। क्या तू मुझे कुछ और पैसे देगी? नहीं यार, अब मेरे पास भी पैसे नहीं है, और वैसे भी तू मुझसे पैसे लेकर मेरी माँ की दुकान के सामने पानी पूरी बेच रही है। आज माँ ने मुझे बहुत डांटा, अब तो मैं तुझे 1 भी रुपए नहीं दे सकती। रीना की ये बात सुनकर संगीता बहुत उदास हो जाती है और वहाँ से अपने घर चली जाती है। उसका उदास चेहरा देखकर उसकी माँ उसके पास आती है और उसकी उदासी का कारण पूछती है। क्या हुआ, आज तो तुम्हारी सारी पानी पूरी बिक गई ना, फिर तुम उदास क्यों हो? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं उदास नहीं हूँ, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मेरा काम पहले ही दिन इतना अच्छा चलने लगा। तेरी माँ हूँ मैं, मुझसे तू कुछ भी नहीं छिपा सकती, अब जल्दी बता कि क्या बात है। माँ, आज मेरी पानी पूरी अच्छी बिकी है, पर कल से नई पानी पूरी खरीदने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है और मेरी दोस्त ने भी मुझे पैसे देने से मना कर दिया है। अच्छा, पर आज तो कमाई हुई होगी ना, तो उन्हीं पैसों से पानी पूरी क्यों नहीं खरीद लाती? आज कमाई तो हुई है, पर बहुत कम कमाई हुई है, क्योंकि मैंने आज बहुत सस्ते दाम में पानी पूरी बेची थी। उन्हीं पैसों से खरीद ला कल के लिए सामान,
जितना भी आएगा उतना बेच लेना। कौन सा हमें लाखों रुपए कमाना है। संगीता पहले दिन हुई कमाई से अगले दिन के लिए पानी पूरी खरीदने जाती है। अब उसके पास बहुत कम पानी पूरी है, इसीलिए आज वो सस्ते में पानी पूरी नहीं बेच सकती है। इसी बात का फायदा उठाकर बिमला सस्ते में पानी पूरी बेचने लगती है, ताकि संगीता की दुकान पर कोई ना आए। आ जाओ पानी पूरी खाने, आज से सस्ती पानी पूरी मिलेगी, 2 रुपए की 10 पानी पूरी। बिमला का ये ऑफर देखकर, अरे वो देखो वहाँ 2 रुपए की 10 पानी पूरी मिल रही है, चलो। हाँ हाँ चलो चलो, वैसे भी मेरे पास पैसे कम हैं और उस दुकान पर हम कम पैसों में भी पेट भर के पानी पूरी खा सकते हैं। सभी ग्राहक अब बिमला की दुकान पर चले गए। अपनी दुकान से ग्राहकों को जाता देखकर संगीता बहुत दुखी हो जाती है। अब मैं क्या करूँगी, मैं तो सस्ते में भी पानी पूरी नहीं बेच सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो मेरा बहुत घाटा हो जाएगा, और वैसे भी मेरे पास ना ज्यादा सामान है और ना ही पैसे। इससे अच्छा तो मैं पानी पूरी ही नहीं बेचूंगी। देखती हूँ कि आंटी कितने दिन तक सस्ते दाम में पानी पूरी बेचेंगी। संगीता की दुकान ना चले इसीलिए बिमला कई दिनों तक बहुत ही सस्ते में पानी पूरी बेचती है। लगता है आंटी जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, इसलिए मुझे भी अब दिमाग लगाकर काम करना होगा। अब संगीता बिमला से सस्ते में पानी पूरी खरीदती है और बहुत सारी पानी पूरी अपने ठेले पर जमा कर देती है। और जब बिमला की सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है तो वो अब सही दाम पर ग्राहकों को पानी पूरी बेचने लगती है। 10 रुपए की 2 पानी पूरी है, आ जाओ चटपटी पानी पूरी खाने के लिए। ग्राहकों को कहीं भी पानी पूरी नहीं मिलती, इसीलिए सभी अब संगीता से ही पानी पूरी खरीदते हैं। ये देखकर बिमला संगीता से और भी ज्यादा चिढ़ जाती है। इस संगीता की बच्ची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, मेरी ही दुकान से सस्ते दाम में पानी पूरी खरीद कर मेरे ही ग्राहकों को बेच रही है। अगले दिन जब संगीता बिमला की दुकान पर पानी पूरी खरीदने जाती है तो बिमला उसको साफ साफ मना कर देती है। मैं पानी पूरी ग्राहकों के खाने के लिए बेचती हूँ, ना कि दुकानदार के लिए, ताकि वो मेरी ही दुकान से खरीद कर दूसरों को बेचे। अब से मेरी दुकान पर पानी पूरी खरीदने के लिए मत आना। अब संगीता के पास कोई भी चारा नहीं था, इसीलिए वो कुछ नया करने की कोशिश करती है। वो अपने पास रखी हुई पानी पूरी को नए फ्लेवर के साथ बनाने के बारे में सोचती है। वो अपने घर आती है जहाँ पर माँ ने उसके लिए मिल्क शेक बनाकर रखा हुआ है। माँ अब मुझे कुछ नया टेस्ट बनाकर कस्टमर्स को अपनी दुकान पर खींचना होगा। ये ले पहले मिल्क शेक पी ले, बहुत थक गई होगी तू। संगीता को माँ के हाथ का मिल्क शेक बहुत पसंद आता है, और मिल्क शेक पीते ही उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। माँ क्यों ना हम पानी पूरी के पानी में मसाले वाला पानी मिलाने के बजाय मिल्क शेक मिलाकर बेचे, ग्राहकों को ये वाला फ्लेवर बहुत पसंद आएगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा विचार आया है तेरे दिमाग में। वैसे भी गर्मी का समय आ गया है, लोगों को पानी पूरी के साथ साथ मिल्क शेक भी पीने के लिए मिल जाएगा, और हमारे पास खुद की गाय भी तो है, दूध की कोई कमी नहीं होगी। अगले दिन से संगीता और उसकी माँ दोनों ही ठेले पर जाते हैं और मिल्क शेक बनाना शुरू करते हैं। यह पानी पूरी की दुकान पर मिल्क शेक क्यों बना रही हो? हम लोग पानी पूरी में नया फ्लेवर ट्राई कर रहे हैं। पानी पूरी के अंदर मिल्क शेक डाल कर देंगे, आपको बहुत पसंद आएगा। अरे वाह, पानी पूरी और मिल्क शेक एक साथ, ये तो सच में बहुत टेस्टी होने वाला है, मुझे भी टेस्ट करना है। संगीता उस लड़की को मिल्क शेक वाली पानी पूरी देती है जो कि उसको बहुत पसंद आती है। वो लड़की बहुत सारे मिल्क शेक वाली पानी पूरी खाती है और संगीता को पैसे देकर चली जाती है। अब तो हमारा पानी पूरी का काम अच्छा चलेगा, पहला ही ग्राहक बहुत खुश होकर गया है हमारी दुकान से। अब संगीता की दुकान पर मिल्क शेक पानी पूरी खाने के लिए ग्राहकों की भीड़ लग जाती है। ये देखकर बिमला अपनी पानी पूरी बहुत ही सस्ते में बेचने लगती है। आ जाओ भाइयों और बहनों, 2 रुपए की 20 पानी पूरी। वो औरत इतने सस्ते में पानी पूरी बेच रही है, जरूर उसकी पानी पूरी में कुछ गड़बड़ होगी। उसकी पानी पूरी खाने से तो अच्छा है कि मैं मिल्क शेक पानी पूरी खाऊं।
अब सभी ग्राहक बिमला की सस्ती पानी पूरी को छोड़कर संगीता की मिल्क शेक पानी पूरी खाते हैं। जल्द ही संगीता का मिल्क शेक पानी पूरी का काम तेजी से बढ़ने लगता है और वो अपनी माँ के साथ हंसी खुशी रहने लगती है। प्रीतम और नीतू का इकलौता बेटा था बिपिन। वैसे तो बिपिन मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, पर उसके सपने बहुत बड़े थे। मम्मी, मैं एक दिन तुझे प्लेन में घुमाऊंगा। हाँ हाँ, घुमाना, पर सपने में। क्या आप भी हमेशा उसे उल्टा बोलते हैं? अच्छा, 24 साल का हो गया है, अब तक अपने माँ बाप की कमाई पर जीरा है, इसे तो शर्म के मारे डूब मरना चाहिए। लेकिन पापा, मैं जॉब ढूंढ तो रहा हूँ। अच्छा, कहाँ? तेरे उन लफंगे दोस्तों के पास? मुझे सब पता है, तो इंटरव्यू के बहाने अपने दोस्तों के साथ मटरगस्ती करने जाता है। नहीं पापा, मैं इंटरव्यू देने जाता हूँ। अच्छा, तो तू पिछले मंडे बोल कर गया था कि तू इंटरव्यू देने जा रहा है, तो तू कुमार के साथ मार्केट में क्या कर रहा था? मार्केट तो हम इंटरव्यू के बाद गए थे। और बहाने सोच, तेरी उम्र में पूरा घर संभालता था मैं, और एक तू है जिसके लिए कोई रिश्ता भी नहीं आता, क्योंकि तू निकम्मा है, निकम्मा। प्रीतम के ताने सुनकर बिपिन घर से बाहर निकल गया। लगता है फिर बाप ने डांटा है। हाँ, और वो कर भी क्या सकते हैं, दुनिया के सभी बाप लोग ऐसे ही होते हैं। मेरा बाप भी दिन भर चिल्लाता रहता है, इसीलिए आजकल मैं सीधे रात को ही घर जाता हूँ और उसके उठने से पहले घर से गायब। एकदम मस्त चल रही है मेरी। सही है, लगता है मुझे भी ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। कल मेरा इंटरव्यू है, उम्मीद है कि नौकरी मिल जाए और पापा की किटकिट खत्म हो जाए। ऑल द बेस्ट दोस्त। अगले दिन बिपिन इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यूअर्स बिपिन से काफी इम्प्रेस्ड लग रहे थे। बिपिन ने अपने दोस्त को कॉल लगाया। आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ यार, कुछ देर में वो लोग अनाउंस करेंगे कि किसे जॉब मिली है, तो फिक्र मत कर, तुझे जॉब जरूर मिलेगी। थैंक यू यार। बिपिन बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब इंटरव्यू का रिजल्ट आएगा। कुछ देर बाद सेक्रेटरी बाहर आई, उसने दूसरे दो लड़कों का नाम लिया। इस बार भी बिपिन को जॉब नहीं मिली, वो मायूस हो गया। मायूसी में वो सीधा बीच तक गया। मुझे जॉब क्यों नहीं मिलती, मुझ में क्या प्रॉब्लम है? पापा के ताने सुनकर मैं तंग आ चुका हूँ। उनका भी कहना गलत नहीं है, मैं भी तो 24 साल का हो गया हूँ, कब तक वो अकेले घर चलाते रहेंगे? मुझे कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। बिपिन अपने लाचारी पे खुद ही रो रहा था, तभी उसका ध्यान आसपास गया। वहाँ कोई मूंगफली बेच रहा था तो कोई पॉपकॉर्न। मुझसे तो अच्छे ये लोग हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, पर फिर भी पैसा कमा रहे हैं। मुझे भी कोई व्यापार ही शुरू कर देना चाहिए। बिपिन में नई उम्मीद जगी, वो सोचने लगा। बहुत लोगों को मेरा पिज्जा अच्छा लगता है, क्यों ना मैं पिज्जा का व्यापार डालूं? अच्छा आइडिया है, रोड पर कढ़ाई पिज्जा बनाऊंगा, अच्छे पैसे मिलेंगे। बिपिन घर गया और उसने अपने माँ पापा से बातें की। मम्मी पापा, मैंने कई जगह पे इंटरव्यू दिया पर मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही। मैंने सोचा है मैं खुद का व्यापार डालूंगा। कैसा व्यापार? पिज्जा का ठेला डालूंगा, कढ़ाई पिज्जा। क्या तू रोड पे खड़े रह के पिज्जा बेचेगा? इसमें गलत क्या है पापा, हर बड़े इंसान ने अपनी शुरुआत छोटे से ही की है। अक्षय कुमार एक चाइनीज ठेले पे शेफ थे, हमारे देश के पीएम भी एक चाय वाले थे। उनके साथ जो हुआ सो हुआ, वही कहानी तेरे साथ होगी, ऐसा संभव नहीं है। पर पापा, अगर ये सब लोग छोटे से बड़े बन सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? तू चुपचाप जॉब ढूंढ, ये ठेले बीले के झंझट में मत पड़। नहीं पापा, मेरा डिसीजन फाइनल है, मैं कल से ही अपना ठेला डाल दूंगा। जब तूने डिसीजन ले ही लिया है तो हमसे पूछने का नाटक क्यों?
बिपिन के पापा गुस्से में अपने कमरे में चले गए। मैं तेरे साथ हूँ बेटा, अगर तुझे लग रहा है कि तू सही कर रहा है तो बेफिक्र होकर कर। बिपिन की माँ उसके साथ थी और पापा इस बात से परेशान थे कि लोग क्या बोलेंगे कि प्रीतम का बेटा रोड पे पिज्जा बेचता है। बिपिन में बस पैसे कमाने का जुनून था। अगले ही दिन उसने एक कॉलेज के बाहर पिज्जा का स्टॉल लगा दिया। वो गैस पर कढ़ाई में पिज्जा बना रहा था, ये देखकर यंगस्टर्स उसके ठेले पे आए। ये कैसा पिज्जा है? ये कढ़ाई पिज्जा है। मुझे एक देना। उस लड़की को वो पिज्जा अच्छा लगा और बस फिर स्टूडेंट्स एक के बाद एक ऑर्डर दे रहे थे और बिपिन पिज्जा बना रहा था। बिपिन खुश था कि उसने पहले ही दिन में 20 पिज्जा बेचे और 1,000 रुपए कमा लिए। बिपिन ने अपनी ये कमाई अपनी माँ के हाथों में रख दी। माँ, मेरी पहली कमाई। बहुत अच्छा है बेटा, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। मुझे यकीन है तू हर काम में सफल होगा। बिपिन ने अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। अगले दिन से बिपिन मन लगाकर मेहनत करने लगा। वो ज्यादा टाइम स्टॉल खुला रखता। उसने स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए नए नए पिज्जा कॉम्बिनेशंस भी बनाए, जैसे चीजी चिप्स पिज्जा, गार्लिक सॉस पिज्जा। उसके इन न्यू आइडियाज की वजह से उसका बिजनेस चल पड़ा। जल्द ही बिपिन ने अपने स्टॉल पे एक हेल्पर भी रख लिया। बिपिन के स्पेशल पिज्जाज इतने फेमस हो गए कि उसने बड़े बड़े पार्टीज के ऑर्डर भी लेना शुरू किया। फिर क्या था, बिपिन दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कर रहा था। बिपिन का वो छोटा सा स्टॉल अब एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट में बदल चुका था और इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन करने के लिए उसने अपने पापा को बुलाया। पापा, रिबन काटिए। हाँ। रिबन काटते ही प्रीतम की आंखों में आंसू टपक गए। उसने अपने बेटे को गले लगाया। मैंने तुझ पर जरा भी भरोसा नहीं किया। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तू कुछ बड़ा कर सकता है। मुझे माफ कर देना बेटा। कोई बात नहीं पापा, मेरी सफलता के पीछे भी आप ही तो हो। आप तीनों की वजह से ही मैंने ये सब शुरू किया। कुछ सालों में बिपिन ने कई फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स खोले। उसने नया घर भी खरीद लिया और आज वो अपने माँ पापा को प्लेन में घुमाने ले जा रहा था। देख माँ, आज मेरा सपना पूरा हुआ। होना ही था, मुझे तो पहले से पता था। हाँ माँ, बस पापा को ही मुझ पर यकीन नहीं था। वो तो लोग क्या कहेंगे ये सोचकर ही उन्हें शर्म आ रही थी। हाँ, शर्म तो आ रही थी, पर अब देख, अब लोग मुझे तेरे नाम से पहचानते हैं। अब मेरी पहचान है कि मैं विपिन का पिता हूँ। इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए। विपिन आज बहुत खुश था क्योंकि उसने अपनी मेहनत से अपने सपने साकार कर दिए। उसके माता पिता को उस पर गर्व था। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है? तू उठ, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। आनंदपुर गांव में एक बूढ़ी गरीब मटके वाली थी सुमित्रा। सुमित्रा रोज मटके बनाया करती थी। अम्मा, ये मटका कितने का है? 200 रुपए का है बेटी। अरे बाप रे, इतने में तो स्टील का घड़ा आ जाता है अम्मा, मैं तो इसके बस 100 रुपए ही दूंगी। अरे बेटी, वो मटका बहुत बड़ा है, 100 रुपए बहुत कम होंगे। 120 रुपए से ज्यादा अब हम नहीं दे सकते। ठीक है, ले जाओ। सुमित्रा रोज मटके बनाया करती थी। मटके खरीदने वाले ग्राहक हमेशा भाव ताव करते थे। सुमित्रा की आमदनी दिन ब दिन घटती जा रही थी। माँ, आपने वो मटका इतने कम दाम में क्यों बेच दिया? अब क्या करूँ, तू तो देख ही रही है मेरा हाल। एक तो लोग मोल भाव करते हैं, ऊपर से दिन ब दिन मटके खरीदने वाले ग्राहक घटते ही जा रहे हैं। सबको स्टील के घड़े ही चाहिए। अब तू ही बता क्या करूँ। एक तो तेरी उम्र भी हो रही है, मुझे तेरे ब्याह की चिंता सताई जा रही है बेटा। माँ,
तुम कहो तो मैं भी तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। वो कैसे? मैंने सोचा है कि मैं कोई खाने की चीज बेचूंगी जिससे हमारी आमदनी बढ़ जाए। खाने की चीज? हाँ माँ, आजकल खाने का व्यापार ही सबसे ज्यादा चलता है। बाजार में हर खाने की दुकान पर भीड़ ही भीड़ रहती है। वो तो है, पर तू क्या बेचेगी? वो तो पता नहीं, एक दो दिन में ढूंढ लूंगी। ठीक है, मुझे तेरे काम करने पे कोई एतराज नहीं। ये सुनकर अंजू बहुत खुश थी। शाम को वो बाजार गई और यहाँ वहाँ देखने लगी। चाट, समोसा, भेल, चाइनीज भेल, ये सब तो है इस बाजार में। मुझे इसके अलावा कुछ सोचना होगा जो सस्ता भी हो और लोगों को पसंद भी हो। अंजू आगे बढ़ी तो उसने एक दुकान पर मैगी नूडल्स के पैकेट देखे। हाँ, मैगी, सबको मैगी पसंद है और ये सस्ता भी है और जल्दी बन भी जाता है। मैं मैगी ही बेचूंगी। अंजू ने घर लौटकर माँ को बताया। माँ, मैं मैगी बेचूंगी। पर क्या लोग मैगी खरीदेंगे? हाँ माँ, जब हम शहर गए थे तो मैंने वहाँ देखा था मैगी के ठेले पे कितनी भीड़ लगी रहती थी। मैं भी मैगी बेचूंगी, हो सकता है हमारे ठेले पर भी भीड़ लगे। ठीक है, कोशिश करने में क्या है, ऊपर से मैगी के ठेले में कुछ ज्यादा खर्चा भी नहीं है। हाँ, सुमित्रा ने अंजू को कुछ पैसे दे दिए। इससे जरूरत की सारी चीजें और कुछ सब्जियां खरीद ले। ठीक है माँ। अंजू ने बाजार से मैगी का डिब्बा, सब्जियां और कुछ छोटी छोटी प्लेट्स खरीद ली। अगले दिन अंजू ने बाजार के बीचों बीच अपने मैगी का ठेला लगाया। अंजू की एक ओर चाट का ठेला था और दूसरी ओर भेलपुरी का। चाट और भेलपुरी के ठेले वाले अंजू के ठेले पर नजर गड़ाए बैठे थे। अंजू ने मैगी के पैकेट्स अच्छे से लगा दिए जिससे ग्राहक उसके ठेले पर आकर्षित हो। कितने की है मैगी? सादा मैगी 15 रुपए और वेजिटेबल मैगी 20 रुपए। एक वेजिटेबल मैगी देना। अंजू ने 2 मिनट में वेजिटेबल मैगी बनाया और उस ग्राहक को दे दिया। ग्राहक को मैगी खाता देख कुछ और ग्राहक उसके ठेले पर आए। हमें 2 सादे मैगी देना। मुझे 1 वेजिटेबल मैगी। जैसे जैसे ग्राहक ऑर्डर दे रहे थे, अंजू मैगी बनाए जा रही थी। अंजू का ठेला नया था और आते ही वहाँ ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। ये बात अगल बगल के ठेले वालों से देखी नहीं जा रही थी। वो लोग जल भून रहे थे। बहुत अच्छा स्वाद है गर्मा गर्म मैगी का। धन्यवाद। गरम गरम मैगी ग्राहकों को बहुत पसंद आ रहा था। पहले ही दिन से अंजू की अच्छी खासी कमाई शुरू हो गई। वो बहुत खुश थी। अंजू की कमाई देखकर सुमित्रा भी बहुत खुश थी। अच्छी बात है बेटा, तू ऐसी ही हमेशा खुश रहे। अंजू को अच्छा लग रहा था, आखिर वो अपनी माँ की थोड़ी सी मदद कर पा रही थी। वैसे भी सुमित्रा ने बहुत कष्टों से अंजू की परवरिश की थी। अगले कई दिनों तक अंजू का मैगी का ठेला अच्छा चल रहा था। ग्राहकों की भीड़ अक्सर वहाँ जमी रहती और अंजू की कमाई भी अच्छी हो रही थी। पड़ोसी ठेले वाले परेशान थे। एक दिन की बात है, अंजू ने ठेला लगाना शुरू किया। धत, मैं तो घर से चम्मच लाना ही भूल गई। अभी लेकर आती हूँ। अंजू घर की ओर दौड़ पड़ी और यहाँ मौका देखकर उस पड़ोसी ठेले वालों ने उसके बर्तन चुरा लिए, उसकी कढ़ाई और प्लेट्स वगैरह। अब इन चीजों के बगैर कैसे मैगी बनाओगी? हाँ, हम भी देखेंगे। जब अंजू लौटी तो उसका सामान गायब था। आपने मेरी कढ़ाई और बर्तन देखे क्या? हमने नहीं देखा। आपने? हमारे पास समय ही नहीं है किसी और को देखने का। अब अंजू परेशान हो गई। वो घर की ओर वापस दौड़ पड़ी। क्या हुआ? अंजू ने सुमित्रा को चोरी की बात बताई। अब नई कढ़ाई और प्लेट्स खरीदने में वापस पैसे जाएंगे। तभी सुमित्रा का ध्यान मिट्टी की हंडी और छोटे छोटे मटकियों पर पड़ा। पर फिलहाल के लिए तू ये इस्तेमाल कर सकती है। मटकी की हंडी में मैगी बना और इन छोटी मटकियों में ग्राहकों को दे। पर माँ,
आज के लिए ये कर ले, कल देखते हैं। ठीक है। अंजू ने वो मिट्टी की हंडी और छोटी मटकियाँ उठाई और वापस ठेले पर लौट आई और उसने अपना ठेला अच्छे से सजा दिया। इस बार उसके ठेले में कढ़ाई के बदले मटकियाँ। आज ये क्या नया है? अंजू को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। मटका मैगी। मटका मैगी? ये कुछ अलग है, मुझे एक वेजिटेबल वाला दो। अंजू ने मिट्टी की हंडी में मैगी बनाई और छोटी मटकी में ग्राहक को परोसा। उस ग्राहक ने वो मैगी चखी। वाह, ये तो कमाल है, पहले से भी अच्छा। कई और ग्राहकों ने मटका मैगी की ऑर्डर की। अंजू सभी को मटका मैगी खिलाने लगी। ये तो कमाल है, बेमिसाल, ऐसी मैगी हमने कभी नहीं खाई। ग्राहकों को मटका मैगी बहुत ही ज्यादा पसंद आई थी। कल से हम यही मैगी खाएंगे। जी बिल्कुल। अंजू समझ गई थी कि मटका मैगी ही उसकी आमदनी बढ़ा सकती है। उसके पड़ोसी ठेले वाले और परेशान हो गए। उन दोनों ने क्या चाहा था और क्या हुआ? अगले दिन अंजू का ठेला खुलने से पहले ही वहाँ ग्राहक खड़े थे। अंजू ने आते ही काम शुरू कर दिया। अब वो धड़ाधड़ मटका मैगी बनाते जाती और ग्राहकों को परोसती जाती। ग्राहक भी बहुत खुश थे। अंजू की आमदनी कई गुना बढ़ गई थी। कुछ ही दिनों में सुमित्रा भी अंजू के साथ मैगी के ठेले पर काम करने लगी। दोनों माँ बेटी मिलकर दिन के हजारों रुपए कमाया करते थे। अब सुमित्रा को अंजू की शादी की चिंता नहीं थी। सोचा नहीं था कि मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई है कि मुझे उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद। सुमित्रा और अंजू बहुत खुश थे, पर वही अंजू के पड़ोसी ठेले वाले बहुत दुखी। हमने क्या करने का सोचा था और क्या हो गया? वो कहते हैं ना, किस्मत खराब हो तो ऊंट पर भी बैठे इंसान को कुत्ता काट लेता है। वैसे ही अगर किस्मत अच्छी हो तो बुरा करने पे भी भला ही हो जाता है। हम दोनों को कोई और धंधा लगाना चाहिए। हाँ, अब यहाँ हमारी दाल नहीं गलेगी, अब यहाँ लोग सिर्फ मटका मैगी खाने आएंगे। अंजू के पड़ोसी ठेले वाले अपना बोरिया बिस्तरा लेकर वहाँ से 9-2-11 हो गए। अंजू का मटका मैगी दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा था। उसे कहाँ पता था कि मजबूरी में इस्तेमाल किया हुआ मटका कमाल कर जाएगा।